हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में यदि किसी चीज की मांग उठ रही है तो वो उठ रही है फीस माफी को लेकर के। मथुरा जनपद में भी कई अभिभावकों द्वारा ये मांग लगातार उठाई जाती रही कि कोरोना महामारी में उनके व्यापार, उनकी दुकान सब कुछ ठप हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के सामने आई है जिनकी जो रोजनदारी थी, रोज का काम था, उन लोगों का काम अब छिन चुका है। ऐसे में स्कूल के लिए सभी प्रार्थना दे रहे हैं कि आप हमारी फीस माफ करें, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने अभी फीस माफ नहीं की है। लेकिन वहीं इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस महामारी को समझते हुए, लोगों की परेशानी को समझते हुए आगे आ रहे हैं और फीस माफी की घोषणा कर रहे हैं। पिछले भी हमारे पास जो पहल चलाई है उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों ने फीस माफ की थी, लेकिन अब एक बहुत बड़े स्कूल है जो मथुरा जनपद में SMT रेजिडेंशियल स्कूल है CBSE बोर्ड से, उनके जो मालकान हैं उन्होंने भी फीस माफ़ की है। वो भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 माह की फीस माफ़ की है। उनकी प्रिंसिपल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मैडम नाम बताया प्रियंका उपाध्याय, SMB स्कूल की प्रिंसिपल हैं और मालकिन भी कह सकते हैं, मालकिन भी हैं पूरी तरह से, लेकिन प्रिंसिपल का दायित्व संभालती हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फीस माफ़ की। क्या सोच रहे आपने? मैंने जो आर्थिक स्थिति हमारी इस समय देश की डगमगा रही है कोरोना महामारी को देखते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी कार्य करती हूँ, पार्टी से जुड़ने के बाद मुझे जब क्षेत्र में जाने का और उनको करीब से देखने का मौका मिला तो मैंने लोगों के घर जा जा के, क्षेत्र में जा जा के सर्वे किया, पार्टी के काम किए। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना था सबका साथ सबका विकास, बट जब अब कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आर्थिक जो आर्थिक स्थिति है पूरे देश की वो गड़बड़ा गई। मैंने जब देखा कि मेरा जो गार्जियंस, मेरे जो बच्चे जिन लोगों के यहाँ पढ़ते थे अब उनके पास खाने के लिए नहीं है, भोजन की व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से नहीं है, जो आदमी दिल्ली में, बॉम्बे में काम कर रहा था, बेंगलोर में काम कर रहा था, वो अब पूर्णतः अपने यहाँ आए 4 या 5 महीने 6 महीने से, तो उनके सामने जो समस्या जो आ रही है, जब भी विद्यालय खुलेगा उसको लेके उनके सामने बड़ी समस्या है कि मैडम हम लोग फीस कैसे देंगे, अभी हमारे सामने भोजन की बहुत बड़ी समस्या है और बीमारी को लेके भी बहुत लोग परेशान हैं। जैसे कि मेरा स्कूल राया क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ भी कोरोना ने बहुत ज़्यादा पैर पसारे हुए हैं, तो उसको देखते हुए, उन आम जन की समस्या को सुनते हुए SMD रेजिडेंशियल स्कूल के मैनेजमेंट ने ये अहम फैसला लिया है कि हम लोग जब तक भी कोरोना काल ये चलेगा, लॉकडाउन का समय जो होगा लगभग 5 महीने का ये समय होगा, इसमें जो भी फीस हम लोगों की बनती है, स्कूल की जो मंथली फीस है, वाहन चार्ज है, उसको स्कूल पूरी तरह से माफ़ करेगा। आपकी जो फीस माफ़ की रेजिडेंशियल है वहाँ बच्चे रहते होंगे, उनकी फीस वहाँ पर पूरी तरह से? जी बिल्कुल। ये जो भावना आपके मन में आई कि आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन अन्य जो स्कूल बड़े बड़े हैं वो इस पहल को नहीं कर पा रहे हैं, अभी जिला विद्या निषद द्वारा ये आदेश दिया गया कि फीस माफ़ी का कोई आदेश नहीं आया गवर्नमेंट को, जैसे में क्या निर्णय लिया है? मेरा निर्णय तो यही है, जो जिस काबिल है, जिस लेवल से सक्षम है, हम सबकी नहीं कर सकते, जो भी विद्यालय वो एक लिस्ट बनाए जो वास्तविक गरीब हैं, आर्थिक स्थिति जिसके सामने है उनकी, तो वही वो लोग कर सकते हैं। तो मेरा ये पर्सनली व्यूज़ है कि वो लोग ऐसा करें, कम से कम हम कह रहे हैं कि पूरे स्कूल में 10 बच्चे ऐसे होंगे, 20 बच्चे ऐसे होंगे जिसके लिए भी वो कर सकें, तो इस समय जो आपातकालीन स्थिति हमारे सामने है उसके लिए वो कुछ ना कुछ अपने कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन बहुत से स्कूलों ने जो जिद बना ली कि उन्हें करना ही नहीं है, आगे का पूरा बिजनेस प्लान बिगड़ जाएगा, बिजनेस बिगड़ जाएगा, सभी की माफ़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिजनेस पे तो इफेक्ट आ रहे हैं, आप ये सोचिए हम लोगों के पास बहुत सारे वाहन हैं, वाहनों की किस्त है, टीचर्स की सैलरी है, बिजली का बिल है, वो सारी चीज़ें हैं, अगर कहीं ना कहीं हम कुछ भी कर पाएँ अपने से तो करिएगा, बाकी का सबका अपना पर्सनल इशू है इस चीज़ को लेकर। कोई ऐसा संदेश जो आप अभिभावकों को देना चाहते हैं कि आपने फीस माफ़ की है लेकिन जब 5 माह का दौर गुजरेगा तो उन किसानों के क्षेत्र से आप काम करती हैं तो क्या उसके बाद उस चीज़ देंगे? आदत नहीं बनेगी? नहीं, आदत बिल्कुल नहीं बनेगी भाई, जब से स्कूल चालू होगा तब से उनको आपत्ति भी नहीं है, उनके रोज़गार भी चलेगा ना भाई, 5 महीने का समय अब बिल्कुल बंद हो गया, धीरे धीरे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें खुल गई, सब चालू हो गई, जीवन सुचारू रूप से आएगा, ऐसा तो है नहीं कि जीवन पूर्णतः बंद हो जाएगा भाई, आदमी को भी शर्म आ रही है 5 महीने की माफ़ कराने में, उनको भी खुद फील हो रहा है कि हम लोग खुद बैठे हैं कि मैडम क्या करें, मजबूरी है, पर जैसे ही सबका जीवन सुचारू रूप से आएगा तो देखिए। कोई संदेश जो आप देना चाहती हैं लाखों बच्चों को या अन्य स्कूल के बारे में? मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि सब लोग धैर्य बनाएं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश नहीं अब तो विश्व इसमें घिरा हुआ है, तो भारत का हर नागरिक इससे लड़ रहा है, हम और आपको सबको ही मिलकर इससे आगे बढ़ें।
ये थी हमारे साथ SMD स्कूल की प्रिंसिपल जी बता रही थी कि कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से विश्व में सभी के लोगों के सामने परेशानी है, भारत भी ऐसे लोगों के ज़्यादातर मदद करना चाहता है, देश मदद करना चाहता है, भारतीय प्रधानमंत्री मदद करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थितियाँ कहीं ना कहीं आड़े हाथों आती हैं। लेकिन ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रियायत मिलना इस बात का द्योतक है कि आज भी लोग अच्छे कार्यों में आगे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। जो फीस जमा कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जमा करिए, यदि आप जमा करने लायक हैं तो स्कूल को फीस दीजिए, क्योंकि उनके वाहन, उनके संचालक, उनकी आया, उनके चपरासी या उनके बहुत सारा जो मैनेजमेंट है, जो शिक्षक हैं, वो आपकी जो फीस होगी उसी से ही चलेंगे। लेकिन आपको यदि स्कूल रियायत भी देता है तो उसका भी धन्यवाद करिए, और लेकिन फीस भी ज़रूर जमा करिए। साथ ही साथ उन सभी स्कूलों का, SMD मैडम का बहुत जो मैडम है वहाँ से भी धन्यवाद कि आपने पहल की है, और हम भी चाहेंगे कि आप भी कुछ ना कुछ पहल जरूर करिए। मैडम जिस प्रकार के 10 बच्चे हैं, 20 हैं या 30 हैं, एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट के आधार पर उनकी फीस माफ़ करिए या उनको जो भी रियायत दीजिए दे दीजिए, क्योंकि ये कोरोना महामारी का महाकाल है, यानी महा बुरा समय है, आने वाले समय में ये अच्छा आएगा और देश तरक्की करेगा। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।